शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया है, शिंदे ग्रुप पर मारपीट का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर है और इनको इनके बारे में कहा जा रहा था कि बीमार थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि मुझे बंधक बना लिया गया था, मेरे साथ मारपीट की गई थी, विधायकों ने अगवा कर लिया था बीजेपी के और मुझे 100 पुलिस वालों ने जबरन पकड़कर रखा था। नितिन देशमुख, शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख, फिलहाल बताया जा रहा है कि वो नागपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हार्ट अटैक के नाम पर मुझे अगवा कर लिया गया, ये बड़ी खबर। वो कह रहे हैं नितिन देशमुख कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में उनको बैठने नहीं देते थे। बाद में 100 पुलिस 150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, मैं ऐसा संदेश दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत, कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीती शुद्ध। मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ हूँ हमारे। तो नितिन देशमुख बागी विधायकों में ये भी शामिल थे, लेकिन अब ये सामने आकर कह रहे हैं कि मुझे बंधक बना लिया गया था, जबरन मुझे पुलिस वाले उठा कर ले गए थे, कहा गया था कि मुझे हार्ट अटैक आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि जितने भी बागी विधायक है, जिनको बागी विधायक कहा जा रहा है, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है, उनमें से एक विधायक ये आकर कह रहे हैं कि हमें जबरन बंधक बनाकर रखा गया। अब शायद इसके बाद उद्धव ठाकरे या संजय राउत का बयान सामने आ सकता है कि देखिए जितने भी विधायक आपको नजर आ रहे हैं कि ये शिवसेना के विधायक एक अलग गुट बना रहे हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनको जबरन वहां पर बंधक बनाकर रखा गया। और हो सकता है कि नितिन देशमुख की तरह कुछ और विधायक भी सामने आए और ये कहें कि हमें जबरन एक जगह रखा गया है, ये दिखाने के लिए कि हम पार्टी से असंतुष्ट हैं। चलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हितेन और शालिनी। शालिनी, नितिन देशमुख का सामने आना और यह कहना कि हमें जबरन बंधक बनाकर रखा गया, मैं अभी उद्धव ठाकरे के साथ हूं, क्या माना जाए कि बाकी विधायक भी सामने आ सकते हैं कि उनको एकनाथ शिंदे ने एक जगह बंधक बना लिया है किडनैप करके? मुझे इसकी संभावना कम ही लगती है प्रत्युष, क्योंकि देखिए बंधक बना करके आप असम के गुवाहाटी में तो रख सकते हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा उस वक्त आप किसी को बंधक बना नहीं सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अब मामले को भटकाने की कोशिश है। सरकार देखिए गिर चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, इसका 3 साफ साफ उदाहरण आज दिखाई दिया। पहला, जब संजय राउत ने यह कह दिया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, ये सुबह की बात थी 9:30 बजे की। ठीक उसके 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद, आदित्य ठाकरे अपना मंत्री वाला जो टैग रहता है वो ट्विटर के बायो से हटा देते हैं और फिर उसके बाद संजय राउत का वो जो ट्वीट सामने आया है कि विधानसभा भंग होने की ओर है। अगर संजय राउत को ये पता था कि विधायकों को बंधक बनाया गया है तो फिर तो जब वो फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे तो विधायक उनके साथ आ जाएंगे, तो फिर ये संकेत नहीं मिलते। और ये संकेत स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी हार मान ली है और वो ये जानते हैं कि शिवसैनिक उनके साथ नहीं है, न सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि सड़कों के ऊपर भी। यहाँ कई मुंबई में देखिए एकनाथ शिंदे ठाणे का प्रतिनिधित्व करते हैं, बगावत उन्होंने ठाणे से ही किया है और मुंबई के बाद ठाणे सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाला शिवसेना के लिए एरिया रहा है, लेकिन ठाणे आएंगे। शालिनी, हितेन के पास चलते हैं। हितेन, देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और उसके पहले देशमुख साहब आते हैं कि भाई हमको सूरत में अपहरण करके बंधक बना लिया गया था, अब वो नागपुर पहुंच गए। यानी जो प्रत्युष कह रहे थे कि ठाकरे और संजय राउत को बोलने का, बीजेपी पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया। देखिए ये जो बोल रहे हैं, यही आरोप कल ही संजय राउत जो है वो लगा चुके थे। कल शाम को ही उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि बंधक बनाकर जबरन लेकर गए हैं और वो बात की पुष्टि कहीं ना कहीं देशमुख ने की है। हालांकि अगर वाकई में बंधक बनाया होता तो फिर नागपुर पहुंचने भी नहीं देते, छोड़ते भी नहीं वहां से, गुवाहाटी से। ये भी कहीं ना कहीं कई सवाल जो है अहम खड़े होते। ये भी हो सकता है कि अगर बात नहीं बनी हो उनकी एकनाथ शिंदे से, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप जाइए उनके साथ जाइए, ये भी हो सकता है।
सकता है, सब कुछ पॉसिबिलिटी है। हालांकि राजनीति है ये। देखिए अभी एक खबर मेरे पास ये भी आई है कि उद्धव ठाकरे जो है अभी फिर से एक बार विचार कर रहे हैं कि क्या ये प्रस्ताव विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आज ही रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि देखिए कमलनाथ से जो टेलीफोनिक चर्चा हुई है, कमलनाथ ने उद्धव ठाकरे को ये समझाया कि आप फ्लोर टेस्ट की ओर रवाना होइए, आप उससे भागिए मत, आप दूर मत होइए। हितेन आपके पास आएंगे, हितेन आपके पास आएंगे इस वक्त।